किसका होगा राजतिलक। दूसरे दौर का मतदान जिसमें अभी तक की वोटिंग 3 बजे तक के आंकड़े आ गए हैं, 51.93 यानी करीब करीब 52% वोटिंग हो चुकी है, लगभग 52% वोटिंग आप कह सकते हैं 3 बजे तक उत्तर प्रदेश में दूसरे दौर के मतदान में होता हुआ। अमरोहा में 60% मतदान हुआ है, सहारनपुर मुरादाबाद में 56% लोगों ने वोट डाले हैं, उत्तराखंड में लगभग 50%, गोवा में 60 के पार, ये 3 बजे तक के आंकड़े हैं जो आप देख रहे हैं। उत्तराखंड में लगभग 50%, यूपी में लगभग 52% और गोवा में 60% पार वोटिंग 3 बजे तक हो चुकी है। आज दूसरे दौर का मतदान है जिसमें सबसे ज्यादा अमरोहा में 60% उत्तर प्रदेश में वोटिंग हुई है, सहारनपुर मुरादाबाद में 56% लोगों ने वोट डाले हैं। और यही बात हम आपको आइए अब दिखा देते हैं एक एक करके कहां पर अभी तक का बंपर मतदान रहा है, सबसे ज्यादा अमरोहा का। उसी में हम आपको शुरुआत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से, आंकड़ा बताता है लगभग 52% मतदान अभी भी कुछ घंटे बाकी हैं, 3 बजे तक के मतदान के आंकड़े आप देख रहे हैं। पिछले दौर जब 2017 में मतदान हुआ था सब 60 के पार था, 62-63% मतदान हुआ था, क्या वहां तक का आंकड़ा होगा क्योंकि अभी कुछ घंटे बाकी हैं, लेकिन अभी तक 52%। उत्तराखंड वहीं आप देखिए तो 50% को छूता हुआ, 49.24% वोटिंग उत्तराखंड में, लेकिन वोटिंग तो हुई है गोवा में बंपर फाड़, अभी से ही 3 बजे तक 60% पार है, 60.18% गोवा का आंकड़ा देखिए 60% पार। और ये सोचिए आप 3 बजे तक की वोटिंग है, यानी गोवा में जो जोश है वोटिंग का वो साफ दिख रहा है, उत्तर प्रदेश हो उत्तराखंड हो अभी पीछे रह गए हैं। उत्तर प्रदेश में 52% और 50% छूते हुए उत्तराखंड में वोटिंग का आंकड़ा, ये 3 बजे तक के आंकड़े हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। संभल से मौसमी सिंह हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं, हमारे साथ अन्य सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त, कुमार कुणाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं बदायूं से, हमारे साथ आशुतोष जुड़े हुए हैं। संभल पहले आते हुए मौसमी, जबरदस्त लड़ाई है ये दूसरे दौर की और यहीं पर धर्म और ध्रुवीकरण का पूरा ऐसा खेल चलता है जिसको तमाम पार्टियों ने साधने की कोशिश की है। मौसमी से जी बिल्कुल, देखिए अंजना बहुत क्रिटिकल सीट है जैसे कि आपने बोला, और संभल में सब नेता संभल के चलते हैं क्योंकि संभल कुछ ऐसा ही है, और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये माना जाता है कि अगर यहाँ पे टेम्पो समाजवादी पार्टी का बढ़ता है तो फिर उसका असर बाकी चरणों पर भी पड़ेगा, क्योंकि संभल और संभल के आसपास के इलाके जो है वो समाजवादी पार्टी का स्ट्रांग विकेट रहे। और वो इसलिए भी है कि देखिए आप मुलायम सिंह के परिवार से, खुद मुलायम सिंह और प्रोफेसर राम गोपाल यादव संभल की लोकसभा सीट से एमपी बन के पार्लियामेंट में गए और खुद यहाँ की विधानसभा से मुलायम सिंह यादव लड़ चुके हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण है। और संभल की चंदौसी सीट पर हमें, जहाँ पे भाजपा की गुलाब देवी लगभग 7 बारी चुनाव लड़ चुकी है और वो खुद जो है लगातार भाजपा के 5 बारी विधायक यहाँ से रहे हैं, खुद वो 4 बार रही है, तो चंदौसी जो है एक तरीके से भाजपा का लगातार संभल की पट्टी में एक फोर्ट्रेस रहा है, उसमें सेंधमारी की कोशिश सपा कर रही है। तो बेहद दिलचस्प हो गया चुनाव क्योंकि 2:2 का रेशियो था, 2 सपा के पास थी 2 भाजपा के पास, लेकिन एंट्री होती है एमआईएम की, एंट्री होती है बीएसपी की, और क्योंकि चंदौसी की हम बात करें, आप देखिए लगातार वोटिंग चल रही है। संजीव आप थोड़ा सा विजुअल भी दिखाइएगा कि शाम का वक्त है, वोटर जागरूक है, वोटर सुन भी रहा है और वोटर सब कुछ देख भी रहा है, पर साइलेंट भी है अंजना। दिलचस्प बात है कि बहुत भारी तादाद में वोटर साइलेंट है, तो ये वोटर किधर जाएगा ये तो रुझान ही बताएंगे, ये तो नतीजे ही बताएंगे अंजना, पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये एक सुरक्षित सीट है और यहाँ पे जो दलित वोट बैंक है चंदौसी में वो बहुत क्रिटिकल होगा, और वो ये भी तय करेगा कि अगर दलित चिटक के मायावती से भाजपा की तरफ या सपा की तरफ जाता है तो वो पूरी उत्तर प्रदेश की सियासी रण में अपना असर डाल सकती है। दलित वोटर काफी क्रूशियल है और चंदौसी उसकी प्रयोगशाला।